चुनाव के मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने निकाय चुनाव में ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, 4 मई को मतदान होना है, मतदान निष्पक्ष व पारदर्शी पूर्वक संपन्न हो। चुनाव में ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों की सूची जारी हो चुकी है। बुधवार को पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया जाएगा और 4 मई को मतदान सकुशल संपन्न होगा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अधिकारी और उनके साथ आया हुआ फोर्स, मैं आप सभी का इस ब्रीफिंग सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत है, 4 तारीख को जयपुर गोरखपुर में नगर निगम और उसके साथ साथ 11 नगर पंचायतों से संबंधित मतदान होना है, जिसके संबंध में शांतिपूर्वक निष्पक्ष मतदान और चुनाव संपन्न कराने हेतु एक पूरा व्यवस्थित प्लान बनाया गया है, जिसमें लगातार कई दिनों से चुनाव सेल द्वारा एसपी ट्रैफिक साहब की अध्यक्षता में और बाकी सभी अधिकारियों के साथ विचार विमर्श के बाद एक पुख्ता प्लान बनाया गया है। जो इलेक्शन की ड्यूटी की बुकलेट है वो ऑलरेडी जारी हो चुकी है। जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी इस बुकलेट के माध्यम से लगाई गई है, उन सभी के ड्यूटी कार्ड सब चुके हैं, सबको आवंटित हो गए हैं। जहां जहां पर कुछ रिप्लेसमेंट हो रहा था किसी कारण से, वो सारे ऑलरेडी कर दिए हैं। आज इस ब्रीफिंग के उपरांत ड्यूटी में कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी। इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए नगर निगम और इसके अतिरिक्त जो 11 हमारे नगर पंचायत है उसके संबंध में जब से चुनाव घोषित हुआ है, आचार संहिता लगी है, तभी से नोडल ऑफिसर्स की भी नियुक्ति की गई थी। सभी नोडल ऑफिसर्स द्वारा लगातार विगत दिनों में अपने क्षेत्रों में भ्रमण करके उनके साथ जो थाना प्रभारी जहां जहां ये चुनाव हो रहा है उनके साथ लगातार क्षेत्र का भ्रमण किया गया है। ड्यूटी डिप्लॉयमेंट में